हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खेमेंद्र शर्मा, नया वीडियो लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, पेपर कोड B202, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आज हमारा नया टॉपिक है KBS, केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसके बारे में आपने सुना होगा, जो केंद्रीय विद्यालय वगैरह होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, वही केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हम चार स्टेप में अध्ययन करेंगे, इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन, दूसरा इसका स्ट्रक्चर, संरचना, संगठनात्मक संरचना, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है इसका। नेक्स्ट है इसके उद्देश्य, एम्स एंड फंक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हम पहले वीडियो में पिछले टॉपिक्स को पढ़ते चले आ रहे हैं, पहले उसको डिवाइड कर लेते हैं, इतने स्टेप में इसका अध्ययन करना है, ठीक है, उसी के आधार पर ये हम अध्ययन करेंगे। बात करते हैं इसका सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारा कुछ है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इस संगठन का अपना एक इतिहास है। हमारे देश में स्थानांतरित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को समान स्तर पर समान पाठ्यक्रम एवं समान माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य सर्वप्रथम केंद्र सरकार के रक्षा विभाग ने किया। उसने रक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए मिलिट्री मुख्यालयों पर रेजिमेंट स्कूलों की स्थापना की 15 दिसंबर 1963 में। सन 1963-64 में इन स्कूलों की संख्या लगभग 20 थी। 1965 में, यानी 1965 में, केंद्रीय सरकार ने स्थानांतरित पदों पर कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए इस प्रकार विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। उसने सर्वप्रथम 20 रेजिमेंट स्कूलों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत लिया, सबसे पहले 20 स्कूलों को, ठीक है। उन्हें सेंट्रल स्कूल का नाम दिया एवं उन्हें केंद्रीय विद्यालय यानी CBSE बोर्ड से संबद्ध किया। एग्ज़ाम कराना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, सारे कार्य जो है, समस्याएँ उनको, उनका निवारण करना, ये सब सारा कार्य, कार्यभार जो सौंपा वो CBSE को, यानी इन विद्यालयों को अटैच कर दिया CBSE बोर्ड से, एवं उनमें स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की। कुछ समय बाद सेना मुख्यालयों के साथ साथ जिला मुख्यालयों पर भी सेंट्रल स्कूल स्थापित करने शुरू कर दिए। इन्हें ही केंद्रीय विद्यालयों का नाम दिया गया। इनकी संपूर्ण व्यवस्था के लिए सरकार ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये देखिए मैं लिखा KBS, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। इस संगठन का मुख्य कार्यालय जो है दिल्ली में है। ये संगठन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है, ठीक है। आपने सुना होगा ना, जिससे ये कुछ स्वयं की संस्था है जो इससे संबंधित कार्यभार, नियुक्ति, टीचर्स की नियुक्ति, एडमिशन प्रोसेस, जितना कार्य है वो ये संगठन खुद ही करता है। एक संस्था है, जैसे RSS है, इस तरीके से केंद्र सरकार की संस्था है। नेक्स्ट हमने ये भी हमने पढ़ा परिचय। नेक्स्ट है संगठनात्मक संरचना, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए छात्रों, ये मैंने एक इसका होलो डायग्राम बनाया है KBS की संरचना। तो सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके लेवल हैं 3 स्तर पर। इसकी जो संरचना है 3 स्तर पर है, केंद्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, स्थानीय स्तर, यानी सेंट्रल लेवल, रीजनल लेवल एंड लोकल लेवल। सबसे पहले हम छात्रों अध्ययन करेंगे केंद्रीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका, वो किस प्रकार से है, इसकी संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार से है, तो ये देखिए छात्रों। सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर भी इसकी दो बॉडी हैं, दो निकाय हैं। नंबर 1 सामान्य निकाय, जनरल बॉडी। नंबर 2 प्रशासनिक निकाय, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे सामान्य निकाय की, जनरल बॉडी की, ठीक है छात्रों। केंद्रीय स्तर पर दो बॉडी हैं, एक तो सामान्य निकाय, जनरल बॉडी, दूसरा प्रशासनिक निकाय। तो जनरल बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो चेयरमैन होता है वो MHRD के मंत्री होते हैं। MHRD का जो मंत्री होता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मंत्री, शिक्षा मंत्री, वो इसका चेयरमैन होता है। डिप्टी चेयरमैन राज्य शिक्षा मंत्री होते हैं। वाइस चेयरमैन वरिष्ठ अधिकारी होते हैं,
ठीक है, इनका जो चयन किया जाता है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें सदस्य जो होते हैं केंद्र के रक्षा विभाग, वित्त विभाग, निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, लोकसभा के प्रतिनिधि, CBSE, NCERT, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, ठीक है। यहाँ पर NCERT, CBSE, लोकसभा के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि एवं शिक्षाविद, महिला सदस्य, SC ST जाति के सदस्य भी आवश्यक होते हैं, ठीक है। SC कास्ट के और ST कास्ट के सदस्य भी इसमें आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी दूसरी बॉडी प्रशासनिक निकाय, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं, इसमें जो जो स्ट्रक्चर है इसका एडमिनिस्ट्रेशन वो ये है। इसमें एक कमिश्नर होता है, दो ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, 5 डिप्टी कमिश्नर होते हैं और 3 असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। इसमें जो है इसकी जो समितियाँ होती हैं, कार्यकारिणी समिति जिसके बेस पर ये पूरा निकाय कार्य करता है, ये बॉडी कार्य करती है, वो 3 होती हैं। नंबर 1 वित्त समिति, फाइनेंस कमेटी, इसके अंतर्गत ये वार्षिक बजट, पूरा ईयरली जो बजट बनाया जाता है वो, वित्त लेखा निरीक्षण, ये सारा कार्यभार जो होता है फाइनेंस से रिलेटेड वो इस कमेटी का कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निर्माण समिति, वर्क कमेटी जो होती है वो केंद्रीय स्कूल के भवन निर्माण का उत्तरदायी होती है, ठीक है। भवन बिल्डिंग बनवाना, ये सारा कार्य, निर्माण कार्य जो होता है वो इस समिति का होता है, इस कमेटी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक सलाहकार समिति, ये आप देख रहे हैं ना, एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी यानी कि इन विद्यालयों से संबंधित शैक्षिक एवं अशैक्षिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती है। एजुकेशनल से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनती है वो इस कमेटी का कार्य होता है, ठीक है। छात्रों ये केंद्रीय स्तर हो गए, केंद्रीय स्तर में ये बॉडी आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्षेत्रीय स्तर, रीजनल लेवल। अगर हम इसकी बात करें तो जो क्षेत्रीय स्तर पर इसका प्रशासनिक है, इसमें 26 क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक में, 26 क्षेत्रीय कार्यालय हैं प्रत्येक में, एक असिस्टेंट कमिश्नर मुख्य अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, 3 शिक्षा अधिकारी एवं स्टाफ, ठीक है, 3 शिक्षा अधिकारी एवं स्टाफ की सहायता से CBSE कक्षा 10 एवं 12 के छात्रों की परीक्षाओं का संपादन करता है, ठीक है छात्रों। नेक्स्ट है स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर की हम बात करें तो ये देखिए, इसका मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है फॉलो चार्ट। इसमें स्थानीय स्तर पर, स्थानीय होता है लोकल लेवल, ठीक है, जिला लेवल पर, इस तरीके से तो इसके अंतर्गत प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय की एक विद्यालय प्रबंध समिति होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसका जो अध्यक्ष होता है वो जिलाधिकारी होता है, DM, ठीक है, DM होता है इसका मुख्य अध्यक्ष। इसमें जो सदस्य होते हैं वो प्रधानाचार्य, शिक्षक, प्रतिनिधि एवं स्थानीय शिक्षाविद यानी विषय विशेषज्ञ होते हैं उस क्षेत्र के, उस जिला के, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है ये समिति विद्यालय के आंतरिक मामलों के लिए उत्तरदायी होती है, विद्यालय संबंधित जो भी समस्या होती है, कोई कार्य होते हैं उसके लिए पूरी जिम्मेदार या फिर उत्तरदायी ये समिति होती है, ठीक है। कौन सी समिति? विद्यालय मैनेजमेंट समिति, ठीक है छात्रों। ये इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य, केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्य। तो उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसके जो है जिन उद्देश्यों को सामने रखकर केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी वे ही उसके मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1 KBS का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकार ने स्थानीय पदों पर कार्यरत यानी जहाँ जैसे ट्रांसफ़र जो होते रहते हैं वो कर्मचारी जिनके कभी भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अंडर में जो कार्य करते हैं, मेन रक्षा विभाग, सैनिक, ठीक है, उनके बच्चों को देश के
किसी भी भाग में समान पाठ्यक्रम एवं समान माध्यम की माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराना, जिससे उनकी शिक्षा में कोई बाधा ना आए। मान लो ट्रांसफ़र हो जाता है और वो फैमिली कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, तो उसके बच्चों का एडमिशन उन्हीं ही विद्यालयों में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। उनका जो एजुकेशन पहले से दी गई, जैसे जिस क्लास में उसी क्लास में उस बच्चे का एडमिशन होगा, जितना कोर्स वहाँ हो गया उससे आगे का कोर्स वहाँ पर कराया जाता है। ये सारा प्रोसेस रहता है, ये उद्देश्य रहता है, यानी कि समान शिक्षा रहे, समान पाठ्यक्रम, उनकी शिक्षा में कोई बाधा ना आए। नेक्स्ट है, इसका दूसरा उद्देश्य केंद्रीय विद्यालयों में नवाचारों इनोवेशंस को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, इसका तीसरा उद्देश्य केंद्रीय विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करना। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य उत्तम प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, पाँचवा और अंतिम, राष्ट्रीय एकता का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्य की हम बात करें, नेक्स्ट है कार्य, कार्य पर समय समय पर आवश्यकता अनुसार नीति निर्धारण करना। ठीक है, इस संगठन का कार्य होता है इन विद्यालयों से संबंधित समय समय पर जैसे ही आवश्यकता हो उस आवश्यकता अनुसार पॉलिसी तैयार करना। नेक्स्ट, वार्षिक बजट बनाना, भिन्न भिन्न मदों के लिए धनराशि निश्चित करना, केंद्रीय विद्यालयों को आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, विद्यालयों की जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना, आवश्यकता अनुसार सेना मुख्यालयों एवं जनपद मुख्यालयों पर नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करना। नेक्स्ट, केंद्रीय विद्यालय लोगों के लिए प्रधानाचार्यों यानी टीचर प्रिंसिपल्स का चयन करना एवं इनका जो ट्रांसफ़र या प्रमोशंस करने का जो अधिकार होता है वो इसी संगठन को होता है। ठीक है, यहाँ पर हम चयन की बात करें टीचर और टीचर की प्रिंसिपल्स की, तो जो नए पद वैकेंसी होती हैं उनमें 25% जो वैकेंसी फिल की जाती हैं वो प्रमोशन के आधार पर की जाती हैं और 75% नई नियुक्तियाँ की जाती हैं। ठीक है, ये क्षेत्रीय स्तर पर की जाती हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षा, इसकी जो टेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स की जो वार्षिक परीक्षा कराने का जो कार्य होता है वो सीबीएसई बोर्ड द्वारा संपन्न कराया जाता है। ठीक है, सफल छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्रदान करना। ठीक है छात्रों, ये KVS टॉपिक अपना कम्प्लीट हुआ। थैंक यू।